गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर्स एंड देयर टाइप्स। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉपर्टी 1। Two rational numbers P upon Q and R upon S are said to be equivalent if P multiply S is equal to R multiply Q. That is, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स P upon Q and R upon S इक्वल है अगर हम P को S से मल्टीप्लाई करें और Q को R से मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो आंसर आए वो सेम हो, लाइक दैट पी मल्टीप्लाई एस एंड क्यू मल्टीप्लाई आर बोथ आर सेम। वी कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टेक एन एग्जांपल, 4 upon -7 एंड 8 upon -14 आर टू रैशनल नंबर्स एंड वी हैव टू चेक whether these rational numbers are equivalent or not, कि ये दोनों rational numbers equal है या नहीं। So with the help of first property, first of all we multiply 4 by -14, 4 multiply -14, 4 14 is 56, so the answer is -56. Now we multiply -7 by 8, -7 multiply 8 and 7 8 is 56 with negative sign, so answer is -56. Both are same, so 4 upon -7 and 8 upon -14 are equivalent rational numbers. Rational numbers. Now come to the second property. If P upon Q is a rational number and M be any integer different from 0, then P upon Q is equals to P multiply M upon Q multiply M. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास P upon Q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है एंड M भी यानी इंटीजर और अगर कोई और नंबर है जो जीरो नहीं है, तो अगर हम उस रैशनल नंबर को न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट में रैशनल नंबर बनेगा वो गिवन रैशनल नंबर के इक्वल होगा। द रिजल्टेड रैशनल नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू द गिवन रैशनल नंबर। वी टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। फाइंड 3 rational numbers इक्विवेलेंट टू 4 by 7, यानी कि हमें 4 upon 7 के इक्विवेलेंट 3 rational numbers फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई 4 by 2 एंड 7 by 2। हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ द रिजल्ट इज 4 2 8, 7 2 14। रिजल्टेंट रैशनल नंबर इज 8 upon 14, so 8 upon 14 is equivalent to 4 by 7. So we have to find other rational number, multiply 4 by 3 and 7 by 3, and the resulted rational number is 12 upon 21. In the same way, multiply numerator and denominator by 4, so the resulted rational number is 16 upon 28. So we got the 3 rational numbers which are equivalent to 4 by
7, and these are 8 upon 14, 12 upon 21, 16 upon 28 are equivalent to 4 by 7. Now come to property 3rd. If P upon Q is a rational number and M is common divisor of P and Q, then P upon Q is equals to P divide M upon Q divide M. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास P upon Q की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है और M कोई ऐसा नंबर है जो P को भी डिवाइड करे Q को भी डिवाइड करे, यानी कि M divides P as well as Q. M न्यूमिरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करे, तब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे जो रैशनल नंबर आएगा वो गिवन नंबर के इक्विवेलेंट है. जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करने पे जो रैशनल नंबर आया था वो गिवन के इक्विवेलेंट था, वैसे ही डिवाइड करने पे भी जो नंबर आएगा वो भी इक्विवेलेंट होगा. वी कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. टेक अ रैशनल नंबर 36 अपॉन 108 एंड वी हैव टू फाइंड द थ्री रैशनल नंबर्स और टू रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस. सो सी, 2 डिवाइड्स 36, यस, एंड 2 डिवाइड्स 108, सो 2 डिवाइड्स 36 एंड 2 डिवाइड्स 108, सो वी कैन राइट 36 अपॉन 108 इज इक्विवेलेंट टू 36 डिवाइड बाय 2 एंड 100 डिवाइड बाय 2, सो द रिजल्टेड आंसर इज 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 and 108 divided by 2 is 54. So 18 upon 54 is the resultant rational number which is equivalent to 36 upon 108. Again, see, 3 divides 36 as well as 108. So 36 upon 108 is equal to 36 divided by 3. 100 divided by 3. 36 divided by 3 is equal to 12. 108 divided by 3 is equal to 36. So the resulted rational number is 12 upon 36, which is equivalent to 36 upon 108. So we can say that 18 upon 54, 12 upon 36, both are equivalent to 36 upon 108. Hope you have clear all the three properties. Try to solve the questions based on these properties. So today's your homework is solve question number 1, 2, 3 of worksheet 2. Thank you and have a nice day.